वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप है टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के सेकंड पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के फर्स्ट पार्ट में हम कीबोर्ड से परिचित हुए और उसके अलग अलग प्रकार को हमने समझा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट टू, जिसमें हम कीबोर्ड के स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारे कीबोर्ड में 104 कीज़ होती हैं, तो आज हम यह समझेंगे कि ये 104 कीज़ कीबोर्ड में किस तरह से सेट किए गए हैं, इनका ढांचा कैसे तैयार किया गया है। कीबोर्ड में जो 104 कीज़ हैं, इन्हें चार हिस्सों में बांटा गया है और इन चार हिस्सों के जो नाम हैं वो फंक्शन कीज़, राइटिंग कीज़, नमपैड कीज़ और इंटरमीडिएट कीज़। फंक्शन कीज़ में 12 कीज़ आती हैं, राइटिंग कीज़ में 45 कीज़ आती हैं, नमपैड कीज़ में 17 कीज़ आती हैं और इंटरमीडिएट कीज़ में 30 कीज़ आती हैं। तो ये कुल मिलाके 104 कीज़ होती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन कीज़ की। आइए हम देखते हैं कि फंक्शन कीज़ कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ये दिया गया है। कीबोर्ड का जो बायां हिस्सा है और जो पहली कतार है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। कीबोर्ड की जो पहली कतार है, यदि उसे हम बाएं ओर से देखें, तो सबसे पहले एक हमें सिंगल की देखने को मिलती है। इस सिंगल की को अभी हम नहीं गिनेंगे, इसे अभी हम छोड़ रहे हैं, आगे समझेंगे इसे हम क्यों छोड़ रहे हैं। अब इसी पहली कतार में हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी जब
दाएं ओर हम बढ़ेंगे तो चार कीज का एक ब्लॉक मिलेगा, यहीं से फंक्शन कीज की शुरुआत होती है। तो जो ये चार कीज का पहला ब्लॉक है, ये क्रमशः फंक्शन कीज में गिने जाते हैं। यदि हम दाएं ओर बढ़ते हैं तो थोड़े से गैप के बाद चार कीज का एक और ब्लॉक मिलता है। ठीक इसके बाद भी हल्का सा गैप है और चार कीज का एक और ब्लॉक मिलता है। यानी इस तरह से हम देख सकते हैं कि चार चार कीज के तीन ब्लॉक एक साथ हमें देखने को मिल रहे हैं और ये कुल मिला के हुए 12 कीज। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि फंक्शन कीज में 12 कीज होती हैं, तो ये 12 कीज यही हैं जो कि फंक्शन कीज कहलाती हैं। चार चार कीज के तीन ब्लॉक हमने देखे और इसके बाद तीन की का एक और ब्लॉक मिलता है, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। तो जैसा कि शुरू में मैंने कहा था कि बाईं ओर से जब हम शुरू करते हैं तो एक सिंगल की को हमने छोड़ा था और अभी हम लास्ट में एक तीन की का ब्लॉक है उसे भी छोड़ रहे हैं, आगे इसे हम समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं राइटिंग कीज की। और राइटिंग कीज की शुरुआत कहाँ से होती है? जो हमारे कीबोर्ड में दूसरी कतार है वहाँ से राइटिंग कीज की शुरुआत होती है। पहली कतार में हमने फंक्शन कीज को देखा, अब हम राइटिंग कीज को देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि राइटिंग कीज की शुरुआत हमारे कीबोर्ड में दूसरे कतार से होती है ना? तो जो हमारे कीबोर्ड में पहली कतार है और जो आखिरी कतार है वो राइटिंग कीज में नहीं आती हैं, ठीक है? और बाकी के जितने भी कतारें हैं, चार कतारें बचती हैं उसके अलावा, तो वो राइटिंग कीज में गिनी जाएंगी। यदि क्रमशः हम देखें तो कीबोर्ड की पहली कतार को छोड़ दें तो दूसरी कतार, तीसरी कतार, चौथी कतार और पांचवी कतार, ये राइटिंग कीज में गिनी जाएंगी। और जो आखिरी कतार है वो राइटिंग कीज में नहीं आएंगी, इस बात का ध्यान आपको रखना है। अब इसमें एक और बात का हमें ध्यान रखना होगा, वो ये कि जो राइटिंग कीज की चार कतारें हैं उनमें भी सभी कीज राइटिंग कीज में नहीं गिनी जाएंगी। तो हमें ये समझना होगा कि वो कौन सी कीज हैं जो राइटिंग कीज में नहीं आएंगी। इसको समझने के लिए बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो राइटिंग कीज की चार कतारें हैं सभी कतारों में बाईं ओर से हम पहली की को छोड़ देंगे, सभी कतार में, यानी जो चार कतारें हैं उनमें हम बाईं ओर से जो भी पहली कीज होगी उसे हम छोड़ देंगे और यही बात दाईं ओर से भी लागू होगी। दाईं ओर से भी हम पहली की को छोड़ देंगे चारों कतारों में। उसकी अतिरिक्त जितनी भी कीज बचती हैं 45 कीज हैं जो कि राइटिंग कीज में गिनी जाएंगी। अब हम बात करते हैं नम पैड कीज की। तो नम पैड की हमारे कीबोर्ड के दाएं हिस्से में है, जिसका एक अलग से ही ब्लॉक बना हुआ है जिसमें 17 कीज हैं। इसके आसपास आपको और कोई भी की नज़र नहीं आएगी, उसमें गैप नज़र आएगा जिससे कि आप समझ पाएंगे
कि ये नमपैड कीज़ हैं। इसकी बनावट कैलकुलेटर की तरह है, यानी कैलकुलेटर में जिस तरह से कीपैड होता है वैसे ही इसकी बनावट है, और इसमें वो सारे सिंबल्स भी हैं जो कैलकुलेटर में होता है। तो इसकी बनावट कैलकुलेटर की तरह है, ये भी एक इसकी पहचान है, और इसमें 17 कीज़ होती हैं। इसके अतिरिक्त कीबोर्ड में जितनी भी कीज़ बचती हैं, जो कि 30 कीज़ हैं, ये सभी इंटरमीडिएट कीज़ में आती हैं। लेकिन एक बार इसे भी हम समझ लेते हैं कि इंटरमीडिएट कीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ तक ये है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे कीबोर्ड में जो पहली कतार है उसमें एक सिंगल की है बाईं ओर, और यहीं से इंटरमीडिएट कीज़ की शुरुआत होती है। ये जो सिंगल की है ये इंटरमीडिएट की में आता है, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। यदि हम इससे नीचे की ओर बढ़ते हैं, एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम फंक्शन कीज़ की बात कर रहे थे तब हम इसी कतार में दाईं ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अब हम इंटरमीडिएट कीज़ को देख रहे हैं तो इसी कतार में हम नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो जब हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो 6 कीज़ हमें मिलती हैं, और ये 6 कीज़ इंटरमीडिएट कीज़ में आती हैं। अब इन 6 कीज़ में जो सबसे नीचे वाली की है उससे हम दाईं ओर बढ़ेंगे। तो जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो 2 कीज़ हैं, और ये 2 कीज़ भी इंटरमीडिएट कीज़ में आती हैं। इसके अतिरिक्त जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो एक लंबी सी की है, और ये लंबी जो की है ये भी इंटरमीडिएट की में आती है। तो अब तक 9 कीज़ हो चुकी हैं, और जो ये लंबी की है इसकी दाईं ओर अगर हम जाते हैं तो 4 कीज़ हैं, 4 कीज़ हैं, तो ये 9 × 4 = 13 कीज़ हो चुकी हैं। और ये जो 4 कीज़ हैं आखिरी जो की है इसके ऊपर यदि हम देखें तो 4 कीज़ हमें मिलती हैं। अब हम ऊपर की ओर आए हैं और इसमें 4 कीज़ हैं। जो सबसे ऊपर वाली की है आखिरी की, और अब हम इसके दाईं ओर जब बढ़ेंगे तो एक गैप हल्का से मिलेगा, और उस गैप के बाद 6 कीज़ का एक ब्लॉक मिलेगा। इसमें 6 कीज़ एक साथ हैं, ठीक है, और इन 6 कीज़ के ऊपर 3 कीज़ का भी एक ब्लॉक मिलेगा, और ये वही 3 कीज़ हैं जो कि शुरू में हमने देखा था, जिसके विषय में मैंने कहा था कि इन 3 कीज़ को अभी हम छोड़ रहे हैं, यानी ये जो 3 की का एक ब्लॉक है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये इंटरमीडिएट की में गिनी जाती हैं 3 कीज़। उसके अतिरिक्त अभी जो 6 कीज़ की हम बात कर रहे थे, 6 कीज़ का एक ब्लॉक है, 6 कीज़ के ब्लॉक के नीचे काफ़ी गैप है, और उसके बाद 4 कीज़ का एक ब्लॉक है। तो इस तरह से यदि हम गिने तो ये 30 कीज़ हैं जो कि इंटरमीडिएट कीज़ में गिनी जाती हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने कीबोर्ड के स्ट्रक्चर को समझा, यानी इसके ढांचे को हमने समझा, और बाकी की बातें कीबोर्ड के बारे में हम अगले ट्यूटोरियल में करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.kirolimalcollege@gmail.com amitkumar.kirolimalcollege@gmail.com
ege@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383। 9971306383।